नमस्कार दर्शकों, इस समय आप सभी के समक्ष सीधे जुड़ रहे हैं जयगांव के मंगलाबाड़ी क्षेत्र में गोरखा भवन से, जहां पे निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है यंगस्टर यूनाइटेड एसोसिएशन द्वारा। और यहां पे विशेष रूप पे टीम जिंदगी के कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, और साथ साथ में आस्था पॉलीक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक द्वारा, सिलीगुड़ी द्वारा यहाँ पे चिकित्सक का एक टीम यहाँ पे पहुँचा है। आप सभी के समक्ष हम लोग दृश्य साझा कर रहे हैं। यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क आयोजित किया गया है यंगस्टर यूनाइटेड एसोसिएशन द्वारा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे युवा वर्ग समाज के भलाई के लिए ऐसा कार्य करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आपको बता दें भारी मात्रा में यहाँ पे लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और अपना स्वास्थ्य जांच भी करा रहे हैं। इस तरह का कार्यक्रम निरंतर युवा द्वारा किया जा रहा है, और यह संस्था समाज सेवा के लिए आगे बढ़ रही है। आपको बता दें इस कार्यक्रम में समाज सेवी नवीन के क्षेत्री, जिन्हें जयगांव का सोनू सूद के रूप में उन्हें पहचाना जाता है, वह भी इस शिविर में पहुँचे हैं और युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। आप सभी के समक्ष हम लोग दृश्य साझा कर रहे हैं और चलते हैं। अधिक जानकारी के लिए हम लोग सीधे बातें करेंगे और आप सभी के समक्ष में जानकारी साझा करेंगे। दर्शक जी, आज के कार्यक्रम के विषय में जानकारी। सबसे पहले तो आज के इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में उपस्थित हमारे माल बाजार से आए हुए टीम जिंदगी के सदस्य, आस्था पैरा मेडिकल सिलीगुड़ी से आए हुए हमारे मेडिकल के जितने भी सदस्य दल, साथ ही हमारे यंगस्टर यूनाइटेड एसोसिएशन के हमारे साथी, और जितने भी जयगांव के आज इस शिविर में अपने स्वस्थ लाभ को उठाने के लिए आए हुए हमारे जितने भी महानुभाव, सभी को हम यंगस्टर यूनाइटेड एसोसिएशन की तरफ से अभिनंदन, साथ ही धन्यवाद। आज हम लोग का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर जयगांव में 30 जून को ऑर्गेनाइज किया गया 10 बजे के समय से, और इतना बारिश होने के कारण भी आज लोग जिस तरह से अपने घरों से निकले, आज इस कार्यक्रम में सहभागी दिए, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये जो निःशुल्क शिविर है, इसमें आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे जेडीए का चेयरमैन श्री गंगा प्रसाद शर्मा जी, साथ ही हमारे क्षेत्रीय सोशल वर्कर श्री नवीन के छेत्री जी और शारदा दी, सभी हम लोग के लिए सहयोग पहुंचाए और आज यहाँ पे कार्यक्रम में आके हम लोग को मोटिवेट किए। और आज का जो कार्यक्रम 4 बजे तक निःशुल्क शिविर रखा गया, जिसमें 2 डॉक्टर है, 1 गायनोलॉजिस्ट और 1 जनरल फिजिशियन। आप सभी घरों से आके निकल के आज अपना स्वास्थ्य लाभ उठाइए और आज इसका कार्यक्रम का सफल बनाइए। आज इस कैंप में कहां कहां से संस्थाएं जुड़ी? हमारे इस कैंप में आज ज्वाइंट संगठन मिलके आज ये ऑर्गेनाइज किया गया। पहला संगठन है क्षेत्रीय संगठन, जो विद्यार्थियों से बनाया गया संगठन है, जहाँ पे हम लोग का फाउंडर मेंबर श्री सैरोन राइजी भी हम लोग के साथ उपस्थित है। छोटे छोटे विद्यार्थियों के द्वारा पहल किया गया है और ये एक यंगस्टर यूनाइटेड एसोसिएशन का स्थापना किया गया, ताकि हमारे जयगांव क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग को काम करना है, जैसे शिक्षा के क्षेत्रों में, हमारे एंटी ड्रग कैंपेन के क्षेत्रों में, विद्यार्थी अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े, इसके लिए आज करियर काउंसलिंग का कार्यक्रम भी रखा गया है, और HS पास और कॉलेज में जो पढ़ रहे विद्यार्थी भी आज करियर काउंसलिंग का कार्यक्रम में सहभागी लेके अपना करियर को आगे बढ़ाएंगे। और डिफोरेस्टेशन और अपना एटमोस्फेयर को बचाने के लिए भी यंगस्टर यूनाइटेड एसोसिएशन ने एनवायरमेंटल डे से मुहिम चलाया गया है, वृक्षारोपण करेंगे और जहां पर भी गंदगी है वहां पे सफाई करेंगे और प्लास्टिक का यूजफुल काम में लाएंगे, ताकि प्लास्टिक हमारे क्षेत्र को प्रदूषित ना करे। मेडिकल टीम सिलीगुड़ी से आए हैं, आस्था पैरामेडिकल हेल्थ केयर से हमारे मेडिकल टीम के 14 से ज्यादा सदस्य आए हैं, और आज का गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर श्री प्रियंकर रॉय जी और हम लोग का जनरल फिजिशियन मृणाल दा भी आज आए हैं यहाँ पे। मेरा नाम योगेश थापा, मैं यंगस्टर यूनाइटेड एसोसिएशन का एक सदस्य हूँ। आपका
मैं जान न पाय हजुर द्वारा है हजुर को संस्था द्वारा सोशल काम हजुर हामी चाहिँ टिम जिन्दगीको सदस्यहरू हो। हाम्रो टिम जिन्दगी चाहिँ 2021 सुरुवात भएको हो एन्ड हामी चाहिँ लाइक हामी जे पनि कामहरू गर्छ हामी सबै एउटा पर्टिकुलर जग्गा चाहिँ हामी चुज गर्दैन, हामी चाहिँ अल ओभर डुवर्स कभर गर्नु चाहन्छ। डुवर्सको युथहरूलाई जति साह्रो इन्सपायर होस्, जति साह्रो एवेरनेस क्रिएट गर्न सक्छौँ कुनै पनि टपिकमा, कुनै सोसल कजमा, त्योहरू हामी गर्न ट्राई गरिरहेको छ। फिलहाल हामी चाहिँ हाम्रो टिममा अहिले 59 मेम्बर्स छ, सबै डुवर्स मिलाएर, सिलगढीको पनि छ, अझै बाहिर बाहिर स्टेटको पनि छ मेम्बर्सहरू होइन। एन्ड फिलहाल हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट चलिरहेछ चाइल्ड एडुकेसन एन्ड वी भन्ने, त्यसमा हामी चाहिँ एउटा लोकेसनमा गएर एउटा नानीहरूलाई एउटा फ्री एडुकेसन प्रोभाइड गर्छ, तिनीहरूको चाहिने जिनिसहरू बुक्सहरू, स्टेसनरी प्रोडक्ट्सहरू, कपिसहरू, अनि तिनीहरूको साथसाथ हामी तिनीहरूको स्किल डेभलपमेन्ट, मोरल भेल्युजहरू, के गलत हो, के सही हो, सही बाटो देखाउनुमा हामी तिनीहरूको मद्दत गर्छौँ। एन्ड त्यो हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ हो चाइल्ड एडुकेसन। अहिले हाम्रो नेक्स्ट मेन अब्जेक्टिभ हो हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको लागि, किनकि अहिले इन्भाइरोमेन्टले कसैले त्यति साह्रो गर्दैन, मान्छेले जहाँ पाए त्यहीँ गन्दा फैलाउँछ, सोच्दैन मान्छेले त्यस्तो केही पनि, गर्ने मान्छे छँदैछ भनेर त्यो गरेको गरेकै नै हुन्छ। तर कहीँ न कहीँ अब कहिले हामी नराम्रो लाग्छ त्यो सब हेरेर, हामी इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड काम गर्छ, प्लान्टेसन ड्राइभहरू गर्छ, क्लिनेस ड्राइभहरू गर्छ, जग्गा जग्गामा गएर, अहिले कुनै एउटा जग्गामा गर्दैन, सबै जहाँ पनि जान्छौँ मान्छेहरूलाई जम्मा गरेर एवेरनेस, दोकान दोकान गएर हामी बुझाउँछौँ त्यहाँको लोकेसनको। अब हामीले त्यस्तो हामी सोच्दैनौँ कि अब 100 मान्छेले 100 बुझोस् भनेर, हामी अब 100 10 बुझ्दैछ भने चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो एउटा एचिभमेन्ट हो। एन्ड फ्युचरमा नि हाम्रो एभ्री सन्डे हामी काम गरिरहेछ, कुनै पनि एउटा सन्डे ग्याप गरेको छैन। एन्ड जयगाउँमा आएर यङ्स्टर युनाइटेड एसोसिएसनसँग कोलाबरेसन गरेर धेरै राम्रो लाग्यो। एन्ड आस्था प्यारी मेडिकल एन्ड हेल्थ इन्स्टिट्युटलाई पनि हामी थ्याङ्क यू भन्छौँ। एन्ड यति राम्रो यहाँ आएर हामीले माया भेट्यौँ, तपाईँलाई एकदम धन्यवाद छ सबैजनालाई। मेसेज म युथहरूलाई यही दिन चाहन्छु, किनकि यो कामहरू युथहरूले नै भ्याउने हो। एन्ड जति पनि ठुल्ठुलो हुनुहुन्छ तिनीहरूको आफ्नो कामले होइन आफ्नो कामहरूले भ्याउनु सक्नु हुँदैन, बट अहिलेको युथहरू के हुन्छ, फ्री हुन्छ होइन, स्कुलहरू गर्छ, सन्डे सबैको छुट्टी नै हुन्छ, सन्डे भेला भयो होइन, कुनै एउटा सोसल एक्टिभिटी, सोसल कजमा आवाज उठायो, काम गयो त्यसको माथि, त्यो तिनीहरूले सक्छ त्यो काम गर्नु, अहिलेको युथहरू नै यो काम गर्नुको लागि। एन्ड युथहरूलाई यही मेसेज दिन चाहन्छु, तिमीहरू नै गर्न सक्छौ, तपाईँहरू नै गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड अलिकति नेचरको लागि, सोसाइटीको लागि मान्छेहरूलाई अलिकति काइन्ड हुनु, किनकि काइन्ड चिज मतलब कतिजनामा पुरै मिसिङ छ क्या, मतलब मान्छेहरूको नेचरमा त्यो काइन्ड चिज मान्छेहरूकोमा आयो भने चाहिँ मान्छेहरूले इन्भाइरोमेन्ट पनि केयर गर्नु थाल्छ, मान्छेहरूलाई पनि केयर गर्नु थाल्छ, जो निडी मान्छेहरू छ, जसलाई जरुरत छ केही चिजको, त्यो पनि हामी मद्दत गर्न सक्छौँ। त्यो मान्छे हजुर म टिम जिन्दगीको फाउन्डर एन्ड प्रेसिडेन्ट हो, अङ्कित सार्की। म त सर्वप्रथम तपाईँको मिडियालाई नमस्कार है। आज म यहाँ जुन भाइले जुन चाहिँ प्रयास गर्नुभएको छ यो प्रयास बहुत ठुलो मायने राख्छ। यसरी नै हाम्रो जब युवाहरूले अगाडि बढेर यसरी नै अगाडि बढ्दै गयो भने चाहिँ हाम्रो गाउँ समाजमा कतिवटा छ नि अब कुरीतिहरू अलिक दूर हुन्छ कि भन्ने आशा गर्छु म। यो सोचलाई म सलाम गर्न चाहन्छु, यो सोचलाई सलाम गर्न चाहन्छु। म चाहन्छु कि यसरी नै अझै अझै युवाहरू एकजुट होस् है, म उहाँहरूको हमेसा साथमा छु, युवाहरूलाई नै अगाडि बढाउनु पर्छ मलाई लाग्छ। युवा नै समाजको दर्पण हो र उनीहरूलाई अगाडि बढाउनु धेरै जरुरी छ अहिले यो समयमा चाहिँ।